वहीं अंबिकापुर से बड़ी खबर है। घर में घुसकर महिला के साथ दरिंदगी की गई है। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर से बेहद बड़ी खबर, महिला से दुष्कर्म किया गया है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, जरा मामला समझाइएगा, घर में घुसकर दुष्कर्म। जी, एक बड़ी घटना उदयपुर थाना क्षेत्र में सामने आई है, जहां पर एक पीड़िता जो कि घर पर अकेली थी, उसके जो परिवार के लोग थे, उसका पति था, वो दूसरी जगह काम पर गया हुआ था। तो पड़ोस में रहने वाला मनीष जो है वो पीड़िता के घर में बलात् प्रवेश करता है और उसके घर पे घुसकर उसके साथ जबरन अनाचार करके वहां से फरार हो जाता है। जब परिवार के लोग घर पर पहुंचते हैं तब पीड़िता इस मामले की जानकारी अपने परिवार वालों को देती है और इसके बाद पुलिस पर मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करने के साथ ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे कहा जा सकता है कि जो घर पर भी महिलाएं एक तरह से सुरक्षित नहीं है और जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो दुष्कर्म की घटना लगातार इस बार सामने आ रही है और अंबिकापुर से खबर भी आपको हमारे संवाददाता बता रहे थे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।